सब लोग आ गए हैं, अभी तक वो काम करने नहीं आई, आ जाएगी तो उसको बताऊंगा। बाबू तुम लोग यहीं पर रहो, बच्ची का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ गेहूँ काटने। ठीक है मम्मी, आप जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। पता नहीं कब तक मैं अपने बच्चों को इस झोपड़ी में रखूंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे सब लोग तो पहले से ही आ गए हैं, कहीं मालिक हमें डांटने न लगे। अच्छा तो अब आ रही है, इसको तो बताना पड़ेगा। ये क्या, मैं सब देख रहा हूँ कितना लेट से आ रही हो तुम, आज की तुम्हारी मजदूरी काटूंगा। अरे अब तो आज की भी मजदूरी कट जाएगी, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। ये रुको, तुम गेहूं मत काटो, तुम चलो बोझा बांधो। ठीक है मालिक। ये लड़की, मेरे पीछे पुलिस लगा है, किसी को बताना मत, मैं इस गेहूं में छुप रहा हूँ। अरे वो कैदी तो गेहूं तोड़ते हुए अंदर घुस गया, अब तो मालिक मुझे बहुत डांटेंगे। अरे लड़की, इधर किसी कैदी को भागते हुए देखा है क्या? नहीं सर, मैंने इधर किसी कैदी को भागते हुए नहीं देखा। अच्छा इधर चला गया, इधर ही तो आया था। अरे इधर तो इतने सारे लोग हैं, इधर नहीं आएगा, कहीं और चला गया होगा। अरे गेहूं में इतना निशान कैसे? लगता है कोई यहाँ छुपा था क्या? लगता है वो कैदी यहीं पर छुपा था। अरे क्या हुआ सर, आप मेरे गेहूं में क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब, आपके गेहूं खेत में कैदी छुपा था। मेरे खेत में कैदी? तो सर आपने किसी से पूछा नहीं, कोई तो देखा होगा। वो जो बोझा बांधे उससे पूछा तो था, लेकिन वो बोल रहे हैं कोई नहीं आया। अरे तो सर कहीं भाग गया होगा, आप मेरे मजदूरों को परेशान मत कीजिए, वो सब अपना काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आप लोग अपना काम करिए। डरिए मत भाई साहब, पुलिस चला गया। अरे पुलिस तो चला गया, लेकिन आपके मालिक तो है, वो तो बता देंगे। ठीक है आप चिंता मत करिए, मैं मालिक को भी भगा देती हूँ। मालिक जब आज का मेरा पगार काट ही दिए हैं तो मैं घर जा रही हूँ, मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं। ठीक है अच्छा जाओ घर। चलो तुम मेरे झोपड़ी में चलो, वहाँ पे कोई पुलिस नहीं आएगी। अरे मैडम जी, आप चाहती तो मुझे पुलिस से पकड़ा भी सकती थी, लेकिन बचाया क्यों? अरे भाई साहब आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचान रही हूँ, आप उस दिन की बात याद करिए। अरे बेटा इसे तो बहुत तेज बुखार है, अब मुझे इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, तुम यहीं पर रहो, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। मम्मी पैसे कहाँ से आएंगे? अरे बाबू चलती हूँ, कहीं से व्यवस्था करती हूँ। चलो बेटा मैं तुम्हारा इलाज करवाती हूँ। अरे मैडम जी क्या हुआ? अरे भाई साहब मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है, इसको इलाज करवाने के लिए ले जा रही हूँ। ले लीजिए मैडम जी, इतने सारे पैसे, अपने बच्चे का इलाज करवा लीजिए। धन्यवाद भाई साहब, आप तो फरिश्ता बन के आए हैं मेरे लिए। धन्यवाद मैडम जी। चलिए आप थक गए होंगे, पानी पी लीजिए। अरे मैडम जी आप झोपड़ी में रहती हैं? हाँ भाई साहब क्या करूँ, खाने तक के पैसे नहीं हो पाते तो घर कहाँ से बनवाऊँ। अरे मैडम जी ये लीजिए आप कुछ पैसे, मानता हूँ ये पैसे चोरी के हैं, लेकिन मैं चोरी उन्हीं का करता हूँ जो दूसरे का हक मारते हैं। अरे इतने पैसे में तो मेरा घर बन जाएगा। धन्यवाद भाई साहब, आज आप फिर से मेरी मदद कर दिए। अरे मैडम जी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अगर उस दिन मैंने आपका मदद न किया होता तो आज मुझे पुलिस पकड़ के ले गई होती। बाबू इतने पैसे में हम लोग झोपड़ी से महल में हो जाएंगे।